Kokrajhar, the headquarter of Bodoland, is a developed town in every aspect since last decade. With an average population of 80,000 people according to 2011 census, with an average literacy rate of 79%. Are we aware about World Environmental Day? World Environment Day occurs on 5th June every year. It's the United Nations principal vehicle for encouraging worldwide awareness and actions for the protection of the environment. So, first held in 1974, it has been the flagship campaign for raising awareness on emerging environmental issues with participation from more 143 countries annually. So, we, the Kokrajharians, made an initiative in collaboration with Photo Phactory to find out about the consciousness of general public about World Environment Day and environmental issues as a whole. So let's go and find it out. Dano, 5th June amra ki palon kori? Kon dibosh palon hoye chha? 15 August. 5th June? 15 August na? June. Jana, okay. So 5th June amra environmental day palon kori, World Environment Day. To tumar ki mone hoy, mane environment e ajkal ki ki threat hoy? Mane kon problem hoy je environment eto kharap degradation hocche? ধোয়ার জন্য যেটা আছে না, সেটার জন্য হয়। বাইক গাড়ি ঘোড়া এগুলো বেশি হয়, সেটার জন্য একটা উপায় করা উচিত আমাদের। সেটাই আমাদেরই পাবলিকের পাবলিকে করা উচিত, গভর্নমেন্টেরও জড়িত থাকতে হবে। তাছাড়া তো পারবে না, এটাকে নিজে তো পারবে না। সবার জন্য আপকো পতা হ্যায় ক্যা 5th জুন কো হাম ক্যা দিবস পালন করতে হ্যায়? 5th জুন, ওকে। তো 5th জুন কো হাম ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্টাল ডে সেলিব্রেট করতে হ্যায়, জো সার পুরি ওয়ার্ল্ড মে সেলিব্রেট কিয়া জাতা হ্যায়। তো আপকো আপ বতা সকতে হ্যায় আপকো ক্যা ক্যা লাগতা হ্যায় কি এনভায়রনমেন্ট মে থ্রেট হ্যায় হামারে লিয়ে? প্লাস্টিক কা ইউজ জ্যাদা হো রা হ্যায়, কম কিজিয়ে, ওহ কম হোনে সে হো জায়েগা আপকো। আর আপকো ক্যা লাগতা হ্যায় মতলব হাম আপনি তরফ সে ক্যা কর সকতে হ্যায় এনভায়রনমেন্ট কো বাঁচানে কে? अब तो ये, अब तो ये सब कहने की बात ही हो गया कि पेड़ लगाओ, वो सब कोई यूज़ करने वाला है। तो अब पेड़ लगाइए तो वही ठीक होगा, बाकी पानी बचाइए जितना हो सके। आप कुछ करते हैं अपनी तरफ से एनवायरनमेंट के लिए? अब मैं तो कुछ नहीं कर, अभी तो कुछ नहीं कर। मैं सच बोलूँ, झूठ क्यों बोलूँ? हाँ, मैं कुछ करता हूँ तो मैं क्यों बोलूँ? तो क्या 5th जून में क्या हो रहा है इंडिया और वर्ल्ड एंड में, कुछ पता है? एनवायरनमेंट है, हाँ, ही इज राइट। सो 5th जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, तो आपको क्या मतलब स्टेप आप लेना चाहते हैं कि एज एनवायरनमेंट बचाने के लिए? मतलब एज ए टीचर मेरे स्कूल पे प्लांटेशन होता है हर साल, मैं जहाँ पे भी रहता हूँ इंस्टीट्यूट पे होता है हर साल प्लांटेशन, हमेशा होता है, हमेशा होता है। तो और कुछ स्टेप आगे, वो तो स्कूल का मतलब उस रिवर, घर पे भी कभी कभी, घर पे मतलब आप जहाँ रहते हो उधर भी कुछ मतलब करना चाहिए था ना? ठीक, और प्लास्टिक पोल्यूशन वगैरह ये सब सब तो हमारे इंडिया में तो अभी हो ही रहा है, मोदी तो कर ही रहा है, स्टेप ले रहा है। क्या हम लोग स्टेप ले सकते हैं कि अगर पोल्यूशन कम हो जाए थोड़ी और प्लास्टिक यूजेस भी कम हो जाए, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? जैसे वेस्ट बंगाल में हो रहा है बैंड है पॉलिथीन, ऐसे आसाम में भी होना चाहिए, मतलब पूरी वर्ल्ड में भी होना चाहिए। और इलेक्ट्रिक कार वगैरह ये सब पोल्यूशन तो पेट्रोल सीएनजी से चलने वाला होना चाहिए, जैसे अगरतला में हो रहा है लेकिन आसाम में अभी तक नहीं आया। अभी जैसे नेक्स्ट स्टेप आया क्या, वो कार को बैन किया था ना पहले मॉडल वाला, अभी न्यू मॉडल आ रहा है सब BS3 इंजन वगैरह। वो इंजन मतलब देखो इंजन से कुछ नहीं होता, इंजन BS3 BS4 BS4 थोड़ा एफिशिएंट होता है, मतलब उसमें क्या है पेट्रोल थोड़ा कम यूज होता है, इसीलिए पोल्यूशन भी कम होता है। तो और कुछ
अगर इतना ही दिमाग में है तो। सर नाम क्या है आपका? सुप्रत पॉल। सुप्रत पॉल, थैंक यू। देसीरी ब्रह्मा। देसीरी ब्रह्मा, हाँ तो हमें यही पूछना है कि आपको पता है क्या 5th जून को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? 5th जून को एनवायरनमेंट डे। थैंक यू सो मच। और क्या आप ये बता सकते हैं कि एनवायरनमेंट में क्या क्या थ्रेट्स हैं हमारे लिए? एनवायरनमेंट के लिए क्या क्या थ्रेट्स हैं? एनवायरनमेंट के लिए क्यों एनवायरनमेंट इतना खराब हो रहा है दिन पर दिन? लोगों के कामों की वजह से, जैसे हर दिन में इंडस्ट्री क्रिएट हो रहे हैं, इतने सारे इंडस्ट्रीज बढ़ रहे हैं कि हम उससे निकलती हुई धुआँ हमारे एयर को ख़राब कर रहा है, और फिर उससे निकलती हुई बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो पानी को भी ख़राब कर रहे हैं, और फिर इसके वजह से हमारे जो एयर है वो बहुत बिल्कुल ख़राब हो रही है, और फिर हमें सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है, और हर जगह में घर बढ़ गए हैं बहुत ही, और इंसान की संख्या बहुत बढ़ गई है, और उसकी वजह से हमें रहने के लिए जगह भी कम होती जा रही है, और इसके वजह से इंसान की कामों भी बढ़ रही है और एनवायरनमेंट को हानि कर रहे हैं। तो मतलब आपको क्या लगता है हम क्या करने से एनवायरनमेंट थोड़ा अच्छा बन सकता है, मतलब हमारे लिए, या आप क्या करते हैं पर्सनली? मैं कुछ नहीं कर सकती। हमें पेड़ उगाना चाहिए, और पेड़ों की संख्या भी बहुत कम हो रही है, लोग अब हमेशा पेड़ काटते हैं अपनी कामों के लिए, पेड़ काटते जा रहे हैं, पेड़ों की संख्या कम करने के लिए हमें पेड़ उगाने चाहिए, नए नए पेड़, एक पेड़ काटने से पहले 10 पेड़ उगाना चाहिए, और फिर हमें इंसान की संख्या भी कम करना चाहिए। राजन छत्रधर। नयन पाल। अमित देवनाथ। आप लोगों को पता है कि 5 जून में क्या होने वाला है इंडिया और वर्ल्ड वाइड में, कुछ पता है? अगर कुछ खास नहीं, बट थोड़ा 5 जून, हाँ 5 जून में एनवायरनमेंट डे है, तो उसमें आप लोग मतलब क्या स्टेप लेने वाला है कि अगर एनवायरनमेंट इतना पोल्यूटेड हो रहा है, इतना पॉपुलेशन हो रहा है, तो इसमें हम लोग क्या स्टेप ले सकते हैं कि इसको हम बचा सकते हैं एनवायरनमेंट को? सबसे पहले तो लोगों को अपना पैसा बचाते हुए एनवायरनमेंट को बचाना चाहिए, और ये सब बेकार सब इतना सारा बाइक गाड़ी ये सब बंद कर देना चाहिए, ये सबसे ज़रूरी स्टेप है। बाइक बंद करने से क्या होगा, मतलब लोग कुछ तो और तो स्टेप तो निकलना ही पड़ेगा ना, कुछ मेथड वगैरह? नहीं, आप लोग कैसे जा सकते हैं ना इमरजेंसी में, आप लोग कैसे ट्रेवल कर सकते हैं? उसके लिए काफ़ी दूसरा व्यवस्था है, जैसे कि बहुत सारा टोटो शोटो यहाँ पे तो है, जैसे कि कोकराझार को ही देख लो, कोई भी थोड़ा पैसा हो एक बाइक खरीद लेता है, तो बेकार पैसा भी बर्बाद और पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। और उससे परसेंटेज क्या है? परसेंटेज तो उसमें इतना नहीं है ना, थोड़ा है मतलब। कोकराझार में खास करके इंडिया में और असम में बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत बाइक खरीदता है, इंडिया में सबसे ज़्यादा शायद असम में ही बाइक खरीदा जाता है, ऐसा सुनने मिला था मुझे। क्या कुछ स्टेप ले रहे हैं कि एनवायरनमेंट का अच्छा करने खुद, मतलब मैं तो जितना हो सकता है मेरे घर में और मेरे आसपास पेड़ पौधा लगा रहा हूँ और थोड़ा सेव करने का कोशिश कर रहा हूँ। क्या बाइक ये सब वगैरह यूज करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, पैदल चलते हैं। हाँ, पैदल और साइकिल। हाँ, और आप? सबसे पहले मतलब जो एनवायरनमेंट का जो मतलब आज का जो स्टेट से ग्लोबल वार्मिंग हाई है और जो पोल्यूशन इतना हो रहा है, वो मेन अगर इसको रोकना है तो पहले आदमी को मतलब ठीक होना पड़ेगा, उनको मतलब एहसास होना पड़ेगा कि एनवायरनमेंट कैसे गंदा हो रहा है, हमारी वजह से कैसे एनवायरनमेंट ख़राब होते जा रहा है, और इसका इफेक्ट हमें ही नहीं और आने वाले हमारे जो बच्चे हैं और उनके बच्चे उन पर पड़ेंगे इसके इफेक्ट। तो इसके लिए मेरा एक उपाय है कि ठीक है, हम अगर एक बाइक है, हाँ कम्युनिकेशन के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल जरूरी है, ये तो नहीं रोक सकते, लेकिन हाँ अगर एक बाइक खरीदे उसके बदले एक अगर पेड़ लगा दिए तो इससे भी तो पोल्यूशन थोड़ा कम होता है। अगर जैसे पेपर इंडस्ट्री में बहुत सारा पेड़ काट के कागज बनाते हैं, तो जहाँ पे पेड़ काट रहे हैं वहाँ पे फिर से अगर पेड़ लगा दे तो इससे बिजनेस के लिए सब करता है, लेकिन नहीं, वो लोग बिजनेस के लिए करता है, लेकिन अगर वो धीरे धीरे काटते जाएंगे पेड़, उनका बिजनेस कहाँ रहेगा? अगर वो जिएंगे ही ना तो बिजनेस कहाँ से करेंगे? तो इसके लिए
जहाँ पे पेड़ काटे वहाँ पे तो पेड़ लगाना ही चाहिए। और मेन बात पब्लिक को मतलब अपने जो बाइक्स गाड़ी वाड़ी वगैरह है उनका सर्विसिंग टाइमली करवाना चाहिए। अगर ये सर्विस क्या फायदा क्या होगा उसमें, तो मतलब बर्निंग ऑफ फ्यूल नहीं होगा। अगर बर्निंग ऑफ फ्यूल नहीं हुआ तो पोल्यूशन भी मतलब फुल बर्निंग होगा फ्यूल का, आधा अधूरा बर्निंग होने से ही पोल्यूशन मेनली होता है। तो फुल बर्निंग होने से और हाँ और आप खुद क्या करते हैं मतलब एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, आप कुछ खुद कर सकते हैं क्या? खुद कर सकता हूँ, मतलब मेरा एक बाइक है जिसको मैं टाइमली सर्विसिंग करवाता रहता हूँ और आस पड़ोस के लोगों को भी बोलता रहता हूँ कि उनका बाइक से भी अगर गंदा टाइप का धुआं निकला तो बोलता हूँ, चार पास को क्लीन रखता हूँ, नेबर्स को भी बोलता हूँ कि आप लोग क्लीन रखें, पेड़ वगैरह को बेवजह मत काटिए। एनवायरनमेंट के लिए पॉपुलेशन को थोड़ा कम आना चाहिए। पॉपुलेशन हम लोग कैसे कम कर सकते, मतलब बर्थ रेट इंडिया में बहुत ज़्यादा है। हाँ तो हम लोग कैसे स्टेप ले सकते हैं बर्थ रेट कमाने के लिए? स्टेप्स चलिए पॉपुलेशन छोड़िए और एक्स्ट्रा मतलब पॉल्यूशन जो हो रहा है हाँ उसमें हम लोग क्या स्टेप ले सकते हैं? आसपास को साफ सुथरा रखना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए। पेड़ लगाना चाहिए हाँ। तो आप क्या खुद करते हैं क्या घर पे मतलब? हाँ मैं थोड़ा अच्छा करने के लिए हाँ, मेरा बड़ा तीतागुरी साइड में है ना, वहाँ पर पेड़ है बहुत, पेड़ ज़्यादा है हाँ ज़्यादा है। यह से तो बहुत अच्छा है। ठीक है, थैंक यू। So, Laisima, do you know what do we celebrate in 5th June? No. Okay, so it's a World Environment Day. So, you must be knowing about that the environment is getting affected by us. So, what do you think that, what is our threat to environment? What is our threat to environment? What is threat to environment? I mean, lots of stuff are there, like deforestation and how there are lots of vehicles nowadays, so all of this contribute to the threat to our environment. Thank you so much. And may I know what should we do? What do you think that what should we do to stop it? I mean, this threat. What should and what do you do personally? I think we should be planting more trees and saving water. Water harvestation and what do you mean? I cannot think of anything right now. So do you do anything in your day-to-day life for saving our planet or environment? No. Okay. Thank you so much. Apnar naam? Nitai Devnath. Acha apni ki janen asha 5th June e ki ache? 5th June e jani na. বিশ্ব পরিবেশ দিবস, ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্ট ডে ওই দিন পালন করা হয়। তো ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্ট ডে পালন করার জন্য যেরকম এনভায়রনমেন্টের জন্য আমরা কী কী করতে পারি, আরও আমাদের পরিবেশটাকে আরও সুরক্ষিত করার জন্য আমরা কী কী করতে পারি, একটু কিছু বলবেন? হ্যাঁ, আমরা তো চাই যাতে পরিবেশটা ভালো থাকুক, সব সুন্দরভাবে হোক। ধরে নেন আমাদের এখানে কিছু বছরের মধ্যে সব জায়গার টেম্পারেচারটা বেড়ে গেছে, তাই না? টেম্পারেচারটা যেহেতু বেড়ে গেছে ওটা আমাদের জন্য অসুবিধা হচ্ছে। তো এই টেম্পারেচারটা যে বাড়ছে এটা কিসের জন্য বাড়ছে আপনার? গাছপালা কাটা উঠেছে তার জন্য, কারণ গাছপালার জন্য এখন এটা তো অ্যাকচুয়ালি তো আমাদের এখানে গাছপালা খুব দরকার হয়েছে, কিন্তু এখন তো নাই, সব কাটা কেটে তো সাফাই করে দিতেছে, তার জন্য গাছপালা রোপণ করা খুব দরকার। এইটার জন্য আমাদের ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্ট ডে পালন করা হয়, বিশ্ব পুরো বিশ্বতে পালন করা হয়। তো আপনি এই নিজে কি পদক্ষেপ নিতে চান বা কি পদক্ষেপ নেওয়া যায় এটা ঠিক করার জন্য? এখন আমাদের যদি পাওয়ার থাকতো আমি তো প্রায় বহুত গাছ রুই, মানে জায়গা জায়গায় রুয়ে দিতাম, কিন্তু আমাদের তো ওরকম পাওয়ার নেই না। তো আপনি নিজে পার্সোনালি কি কি আরো পদক্ষেপ নেবেন এই বিষয়ে? পার্সোনালি আমাদের ওরকম অকাত নেই না যে আমরা পার্সোনালি কিছু স্টেপ একটা নিব, আমাদের ওরকম কোনো সে নাই না। আমরা যদি মালিক ছালিক থাকতাম বা কিছু পাওয়ার ছাওয়া থাকতো তাহলে আমরা নিশ্চয়ই করতাম, কিন্তু আমাদের ওরকম কোনো পাওয়ার নেই না, আমরা হলাম লেবার মানুষ, কাম করে খাই। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। Do we celebrate in 5th June? 5th June? I don't know much about No. Okay, so in 5th June we celebrate World Environment Day. Okay, so do you know what are the traits of our environment? I don't know much about environment actually. So, what do you mean?
Do you know that this is our environment is getting affected day by day? That you must be knowing. So after all this informative yet funny interactions we had today, we can finally conclude that most of us, we don't know about World Environment Day. And the people, whoever, and providing lots of information are not doing personally and for the environment too. So at this Environment Day, we wanted to request you, please go ahead, do something from your own to take a step towards environment, to protect our environment. Guys, it's our nature. We should protect it for our survival. If you like our video, please like, comment and share. Love nature.